घर सरकार की तरफ से किस तरह की मदद की बात कही गई, आप लोगों ने क्या कहा? अवधेश कुमार यादव जो इस गांव के बहादुरपुर के निवासी हैं, वो कल पुलवामा में जो घटना हुई जम्मू कश्मीर में, उसमें शहीद हुए। तो राज्य सरकार की तरफ से शहीद के परिवार के लिए एक नौकरी की घोषणा की गई है। उसके अतिरिक्त शरीर के शहीद के परिवार को 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। साथ ही शहीद का जो परिवार है, पैतृक गाँव है, उसका जो संपर्क मार्ग है, उसका नामकरण शहीद के नाम से राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा अगर केंद्र सरकार की बात की जाए तो क्या उसके तरफ से भी कुछ अभी तक निर्देश किए गए हैं? फिलहाल जो ये तीन है, 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि, परिवार के एक सदस्य को राज्य सरकार के द्वारा सरकारी नौकरी, और पैतृक गांव को जो संपर्क मार्ग जोड़ता है, उस संपर्क मार्ग का जो नामांतरण है वो उनके नाम पे, शहीद के नाम पर किया जाएगा, ये घोषणा की गई है। ये जानकारी मैं यहाँ पर देना चाह रहा था। इसके अतिरिक्त भी जो भी परिवार को मदद की आवश्यकता होगी, उसके लिए पूरा देश, पूरा प्रशासन, पूरा राज्य सरकार साथ में खड़ा है और लगातार हम इनके साथ हैं। देश के लिए, पूरे देश के लिए एक दुखद घटना है। शहीद का पार्थिव शरीर कब तक पहुंचेगा यहाँ? अधिकारियों से बात हुई होगी विभाग से, क्या इसके लिए किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं अपने? आज देर शाम शरीर के, पार्थिव शरीर के यहाँ पहुंचने की जानकारी प्राप्त हुई है। अभी जम्मू से चलकर दिल्ली आएगा, दिल्ली से बाबतपुर बनारस एयरपोर्ट पे पार्थिव शरीर आएगा, उसके बाद यहाँ पर मौके पर गांव बहादुरपुर में पार्थिव शरीर आएगा। सारी व्यवस्थाएं जो हैं, पूरे जो ऑनर्स हैं, स्टेट ऑनर्स, वो शहीद को दिए जाएंगे, और पूरी व्यवस्था प्रशासन, पुलिस की यहाँ पर कर ली जाएगी।